दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, लगातार दूसरे दिन 25,000 के करीब केस, वहीं 354 मरीजों की गई जान। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में महामारी के 25,467 नए मामले सामने आए हैं और दोस्तों इसी दौरान 354 मरीजों की जान चली गई है। फिलहाल दोस्तों देश में 3,19,551 मरीजों का इलाज जारी है और इन नए आंकड़ों को मिलाकर देश में महामारी संक्रमितों मरीजों की कुल संख्या 3,24,74,733 हो गई है। वहीं महामारी में अब तक 4,35,110 मरीजों की जान जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का हो रहा है धासु इंतजाम, 1 जनवरी से ऐसे करना होगा अब पेमेंट। दोस्तों डेटा सिक्योरिटी के नियम और ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का अब नया तरीका होगा। आपके कार्ड से जुड़ा एक टोकन नंबर, ये हर मर्चेंट का अलग अलग टोकन नंबर होगा, जिसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट को कार्ड पेमेंट कंपनियों से करार करना होगा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी में ग्राहकों को हित को देखते हुए रिजर्व बैंक किसी भी तरह का रियायत देने के मूड में नहीं है। इसलिए टोकनाइजेशन के जरिए ही ऑटो डेबिट पेमेंट और बार बार 16 अंक डिजिट डालने पर निजात पाई जा सकती है। वहीं दोस्तों खबरों के मुताबिक ई कॉमर्स मर्चेंट और पेमेंट प्रोवाइडर के बीच जारी हुआ टोकन और कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी और इस तरह से पेमेंट से जुड़ी प्रक्रिया भी जटिल होने की जगह आसान हो जाएगी। वही टोकन आईडी एक तरह से यूपीआई आईडी की तर्ज पर होगा, जहां पर ग्राहक अपनी सभी डिटेल जारी किए बिना पेमेंट कर पाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कोरोना की तीसरी लहर से पहले इस राज्य में अलर्ट, दुकानदारों को रोज देनी होगी इन दवाओं की डिटेल। दोस्तों कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में नीति आयोग ने सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है और इस रिपोर्ट के बाद यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अब विभाग ने कोरोना के इलाज में जरूरी 9 दवाओं के स्टॉक को खंगालना शुरू कर दिया है। न सिर्फ सरकारी सप्लाई से जुड़े स्टॉक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, बल्कि प्राइवेट स्टॉक और दवाई विक्रेताओं से खरीद बिक्री का डिटेल भी मांगा जा रहा है और उन्हें कोरोना के इलाज से जुड़ी इन 9 दवाओं की खरीद बिक्री का पूरा डिटेल रोज ड्रग इंस्पेक्टर को देना होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल प्राइस अपडेट, 38 दिन में दूसरी बार घटे पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें। दोस्तों आम नागरिकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। मंगलवार यानी 24 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 38 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे की प्रति लीटर कटौती की है। वहीं पिछले 38 दिनों में एक बार भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पिछले एक हफ्तों में डीजल की कीमत में 5वीं बार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत घटकर 101.49 रुपए हो गई है और डीजल की कीमत 88.92 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आइए दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख शहरों के बारे में, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। दिल्ली में अभी पेट्रोल फिलहाल 101.49 रुपए, डीजल 88.92 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 107.92 रुपए, डीजल 96.48 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 101.82 रुपए और डीजल 91.98 रुपए, चेन्नई में पेट्रोल 99.20 रुपए और डीजल 93.52 रुपए, बेंगलोर में 104 रुपए और डीजल 94.34 पैसे, वहीं पटना में 103 रुपए पे पेट्रोल चल रहा है और डीजल की कीमत 94.75 पैसे, वहीं जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.42 और डीजल की कीमत 98.06 हो गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट, देश के इन हिस्सों में 27 अगस्त तक चलेगा बारिश का दौर, भारी भयंकर बारिश आंधी तूफान समेत इन राज्यों में रेड अलर्ट हुआ जारी। दोस्तों पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और नदियां उफान पर चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में अभी 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, संभल, सियाना, बजोई समेत कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं इसी के साथ दोस्तों आईएमडी ने कहा है कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान बिहार में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 27 अगस्त तक बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 23, 26 और 27 अगस्त को बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में 27 तक हल्की बारिश
होने की संभावना व कई अन्य क्षेत्रों में 25 से 27 अगस्त तक शुष्क मौसम रहने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों मौसम की जानकारी देते हुए IMD ने कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी, साथ ही कानपुर और उसके आसपास मंगलवार को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में जमकर बारिश हुई थी, वहीं अब उत्तर बिहार में भारी बारिश की संभावना है। बिहार के खासकर किशनगंज, आर्या, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सुपुल, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी भारी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं IMD ने कहा है कि मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में और पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में स्थित है और 24 अगस्त से पश्चिम छोर के धीरे धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट होने की संभावना है और 26 अगस्त से पूर्वी छोर के दक्षिण की ओर शिफ्ट होने की संभावना है और एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इसने क्षोभ मंडल स्तरों पर स्थित है। वहीं बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं 25 अगस्त तक जारी रहने की संभावना बनी हुई है।